नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं ह्यूमन ड्राइंग करूंगा। ह्यूमन फिगर की ड्राइंग किस तरह की जाती है इसको हम आज जानेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी रेफरेंस पिक्चर पिक कर सकते हैं जिसको देखकर आप सही तरीके से बना सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, मैं हेड ड्रॉ कर लूँ उसके लिए मैंने सर्कल ड्रॉ किया है और हेड के बाकी पोर्शन के लिए मैं उसे एक्सटेंड कर रहा हूँ इस तरह से। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी पिक्चर और उसको देखकर बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद जो शोल्डर वाला पोर्शन है और बाकी जो हिस्से हैं उनको धीरे धीरे मैं बनाता चला जाऊंगा और आपको कंप्लीट एक ह्यूमन फिगर का स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से आप ह्यूमन ड्राइंग कर सकते हैं और जिससे आपको सीखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, आप ऑब्जर्व करके बनाते जाइए अपने ड्राइंग को। आप किसी भी तरह से पिक्चर को बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर तैयार करने की या आपको गाइडलाइंस खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक लेवल पे बनाना चाहते हैं तो आपको डिटेलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है कि आप ह्यूमन फिगर अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो आपके जो हाथ पैर की मोटाई है और लंबाई है वो सही होना चाहिए, साथ ही जो प्रोपोर्शंस हैं वो आपको सही सही ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। तो देखिए, इस तरह से अपर बॉडी वाला पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब जैसे ये बास्केटबॉल प्लेयर है तो बॉल के लिए मैं राउंडर के थ्रू एक बॉल शेप यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए डिटेलिंग पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने बेसिक स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए कि आपका स्ट्रक्चर सही बन रहा है कि नहीं, आप प्रॉपर स्ट्रक्चर को सही तरीके से बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप स्ट्रक्चर सही तरीके से बनाएंगे तो डिटेलिंग काफ़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। मैं मानता हूँ कि डिटेलिंग जो है वो सेकेंडरी चीज़ है आर्ट वर्क के अंदर। आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपने अगर सही तरीके से बना लिया, अपनी ड्राइंग को कर लिया, तब आप डिटेलिंग्स को जितना चाहे इन्हेंस कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक फिगर ड्राइंग आपको करके बता रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, डिटेलिंग पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आप अपने स्ट्रक्चर को या अपने ऑब्जेक्ट को एक बार अच्छी तरीके से बना लें और आप जब सेटिस्फाइड हो जाएं कि मेरा स्ट्रक्चर या मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, तब आप उसकी डिटेलिंग पर ध्यान दीजिए। काफ़ी सारे जो आर्ट वर्क करते हैं उस डिटेलिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम एक रियलिस्टिक फेस ड्रॉ करेंगे या रियलिस्टिक या रियलिज्म को अचीव करेंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब तक आप स्ट्रक्चर को सही तरीके से ना समझें या स्ट्रक्चर को सही तरीके से ना बनाएं, तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें होती हैं फ्री हैंड बनाने में। लेकिन फ्री हैंड की प्रैक्टिस आपकी अगर तगड़ी है, आप अच्छे से फ्री हैंड बनाने के लिए प्रैक्टिस कर चुके हैं या करते हैं निरंतर, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है कोई भी ड्राइंग को करना। तो अगर आप फ्री हैंड बनाने की प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल, तो इसमें आप कठिन से कठिन ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने में सक्षम होंगे। कठिन से कठिन ऑब्जेक्ट को आप आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे तो आपके लिए सरल हो जाएगा ड्राइंग करना। लेकिन आप हर तरह के ऑब्जेक्ट को ग्राफ टेक्निक या ग्रिड टेक्निक से बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं गाइडलाइंस और फंडामेंटल टेक्निक्स का, जिससे वे काफ़ी कम टाइम पे एक अच्छा ड्राइंग बना पाते हैं, एक अच्छी पेंटिंग बना पाते हैं। तो देखिए, इस तरह से थोड़ी थोड़ी आप डिटेलिंग करते जाइए। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिगर का केवल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिगर का स्ट्रक्चर मेरा प्रॉपर अगर बन जाएगा तो डिटेलिंग तो आपके हाथ में है कि आप किस लेवल की डिटेल कर पा रहे हैं, आप किस तरह से डिटेल करते हैं अपने ड्राइंग को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका स्ट्रक्चर। अगर आपका स्ट्रक्चर सही है, उसके बाद आपको शेडिंग पर ध्यान देनी है। शेडिंग और जो हाइलाइटेड एरियाज़ हैं, तो शेड और हाइलाइटेड एरियाज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं ड्राइंग के अंदर। ये दोनों चीज़ें अगर आपने अच्छे तरीके से कर ली, उसके बाद आपको डिटेलिंग पर ध्यान देना है। और पेंसिल आर्ट वर्क में डिटेल करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा समय डिटेलिंग में ही देनी होती है। सो अपर बॉडी का पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद आप धीरे धीरे मैं नीचे जो पैंट वाला पोर्शन है और पैर वाला पोर्शन है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल मैं नहीं कर रहा हूँ, डिटेल वर्क मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको एक ह्यूमन फिगर के स्ट्रक्चर और जो
एलिमेंट्स हैं उनको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह आप एक ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करते हैं, वो भी फ्री हैंड। जब आपको बहुत ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक या रियलिस्टिक ड्राइंग करनी है तो उसके लिए आप ग्रिड टेक्निक का यूज़ करते हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा समय देना होता है, लेकिन आप अगर इस तरह की ड्राइंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिस्ट कई तरह की टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे एक अच्छे रिजल्ट को अचीव कर सकें बिल्कुल कम समय में। तो उसी तरह फ्री हैंड ड्राइंग भी एक टेक्निक है जिससे आप कोई रेफरेंस लेकर ड्राइंग करते हैं और एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ करके आपको दिखाया कि किस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठाइए और उसको बनाने की शुरुआत कर लीजिए। तो इससे आपकी प्रैक्टिस दिन ब दिन बेहतर होती चली जाएगी। देखिए, काफ़ी सारी एलिमेंट्स और एक इंटायर बॉडी मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। तो आप भी कोई भी ऑब्जेक्ट को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।